दोस्तों दुनिया में कई ऐसे राजा हुए जो अपनी क्रूरता और अय्याशियों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे क्रूर, निर्दयी और अय्याश हूणों के राजा एतिला की। दोस्तों उस समय हूणों का साम्राज्य भारत, चीन से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था। दोस्तों उस समय एतिला ने रोम पर हमला कर पूरे रोम को तहस नहस कर दिया था। वहां के सभी आदमियों को मारकर और हर औरत को प्रेग्नेंट कर दिया, और हालात तो ये थे कि हर पांचवी औरत एतिला के बच्चे की माँ थी। दोस्तों हूण एक कबीला हुआ करता था, पर 4 से 5 शताब्दी आते आते ये इतने ताकतवर हो गए कि इन्होंने पूरी दुनिया के कोने कोने में जाकर हमले करने शुरू कर दिए। दोस्तों इन सब में एतिला सबसे ज्यादा पावरफुल था, और एतिला 2 भाई थे। इन दोनों भाइयों को बचपन से ही तीरंदाजी से लेकर तलवारबाजी के सारे गुण सिखाए गए थे, पर जब धार्मिक चीजों को सिखाने की बारी आती तो एतिला भाग जाया करता था, और वहीं ब्लेडा बहुत अच्छे से सुना करता था। पर पिता की मौत के बाद एतिला के बड़े भाई ब्लेडा को गद्दी पर बैठाया गया। एतिला इससे खुश तो नहीं था, पर उसने कुछ भी नहीं किया, और कुछ ही दिनों के बाद दोनों भाइयों ने एक बड़ी सेना को लेकर रोम पर अटैक कर दिया। रोम को जीतकर 15 दिन तक कत्लेआम किया गया, और औरतों को पकड़कर नंगा करके उनको महल में रखा गया। जीत के बाद एतिला ने जमकर अय्याशी की। एतिला खूबसूरत औरतों पर शराब पीकर चढ़ जाता, और जब होश आता तब दूसरी औरत को बुलाता। और इस सफलता के बाद इन दोनों भाइयों ने आस पड़ोस के राज्यों पर हमला किया, और जहां भी जाते वहां की औरतों को अपने साथ ले जाते। दोस्तों अब एतिला की भूख बढ़ती जा रही थी, उसे किसी की भी सलाह सुनना अच्छा नहीं लगता था, और इसीलिए उसने अपने भाई को जहर देकर मार दिया। अब एतिला रोम के पश्चिमी हिस्से को जीतना चाहता था, और उस समय इसका राजा वैलेंटिनियन था। दोस्तों इसकी एक बहन भी थी जिसका नाम जस्ताकृता हनोइया था। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत थी, इसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे रोम में हुआ करते थे। और जैसे ही उसकी बहन को ये पता चला कि एतिला उसके राज्य को जीतने आ रहा है, उसने अपनी एक अंगूठी एतिला को उपहार के रूप में भिजवाई, और ये सब देख एतिला बहुत खुश हुआ, और महल में जाकर उसने अपनी शादी की बात की, और वैलेंटिनियन भी इस रिश्ते के लिए मान गया था। पर एतिला ने दहेज में आधा राज्य मांग लिया, और ऐसा सुनते ही वैलेंटिनियन ने शादी से इनकार कर दिया, और एतिला इतना गुस्से में था कि उसने 2 महीने बाद ही रोम के पश्चिमी हिस्से पर आक्रमण कर दिया। एतिला इस युद्ध में जीत नहीं सका, और इस युद्ध में एतिला को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पर एतिला बहुत जिद्दी था, उसने दोबारा हमला किया, और इस बार उसने रोम के पश्चिमी हिस्से को जीत लिया। और जस्ता से शादी ना हो पाने की वजह से उसने रोम की हर औरत को बारी बारी से कमरे में बुलाकर उसका बलात्कार किया। वो अपने महल में औरतों को नंगा ही रखता था, और एक औरत पर 4 से 5 सिपाही छोड़ दिया करता था। उसने अपना सारा गुस्सा रोम की औरतों पर उतारा, और इसीलिए रोम की 90% औरतें प्रेग्नेंट हो चुकी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने कितनी बुरी तरीके से किया होगा। वैसे दोस्तों आपको एतिला का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।